इतने भी हमारे बैंकर्स फर्स्ट टाइम आज ओली बोर्ड पे जुड़े हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये होगा कि जल्दी से ओली बोर्ड जीआईबी सीआईबी को पहला काम तो सब्सक्राइब करें ठीक है और हिट द बेल आइकन क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जहां पे आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी मिलेगा और कोई भी वैसी इंफॉर्मेशन जो बैंकर्स के लिए नीडेड है हम आपको आपको सबसे पहले बताएंगे नाउ अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं प्लीज डू द स्पीड टेस्ट जितना ज्यादा हो सके स्पीड टेस्ट दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहां पर फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल है उसको जाके एनरोल करिए देखिए एंड फॉर मोर डिटेल के लिए आप ओलीबोर्ड डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं और वन मोर थिंग अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आप ओलीबोर्ड पर तो यूज करे कोड राजी जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा फिफ्टी फाइव परसेंट मैक्सिमम ओके चलिए सभी लोगों को बता दो सेशन स्टार्ट हो चुका है अपने साथ रखिए कैलकुलेटर क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है नाउ और मैंने कल भी कहा था आज भी कहा है कि जब भी कोई डाउट हो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग करिए इट्स माय कमिटमेंट मैं लाइव कह रहा हूं मैं आपको आंसर जरूर दूंगा हाँ थोड़ा डिले होता है बट आंसर हम आपको जरूर देंगे ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए एवरी जल्दी से सभी को नमस्कार एंड सभी को गुड इवनिंग पहला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन क्वेश्चन बहुत आसान है कहता है

ट्रेडिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट या ऑल या इनमें से कोई नहीं सो व्हाट इज द राइट आंसर व्हाट इज द राइट आंसर सो राइट आंसर इज व्हाट द राइट आंसर इज फोर वेरी नाइस पहला उम्मीद करता हूं किसी का भी गलत नहीं होगा चलिए अगला व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू बिटवीन टू और more party whose value is based on an agree upon underlying finance assets like security or set of assets like an index so this is known as derivative mutual fund ya both ya inme se koi nahi what is the right answer आज mock चला है जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं उन सभी को कहना है आपको मॉक में बताना है कि आउट ऑफ थर्टी आज इस मिनी मैराथन में आपका स्कोर कितना आएगा ठीक है सो वॉट इज द राइट आंसर एंड ट्राई टू गेट क्रॉस एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स टूडे है ना ट्राई टू क्रॉस एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स ऑफ द टूडे ट्वेंटी से स्कोर ऊपर होना ही चाहिए है ना सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सेशन को जरूर लाइक करो और जरूर पार्टिसिपेट करें आंसर देखिए यहां हम कहते हैं डेरिवेटिव जैसे मैंने कहा मेरे पास मिल्क है है ना और इस मिल्क से मैंने मिठाई बनाई ओके मैंने इस मिल्क से मैंने घी बनाया ओके सो दीज आर द इसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव और ये ड्राइव कहां से हुआ विच इज कॉल मिल्क यानी अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनका प्राइस भी क्या होगा इंक्रीज होगा तो जो मिल्क हमारा है दिस इज नोन एज अंडरलाइन एसिड्स और ये जो उससे प्रोडक्ट क्रिएट हुए हैं इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, है ना तो इस रिस्पेक्ट में आंसर हमारा डेरिवेटिव हो गया मेरे पास कुछ अमाउंट है और उस अमाउंट को हमें इन्वेस्ट करना है कहीं पर बट हम रिस्क नहीं बेयर करना चाहते हैं तो हमने क्या किया हमने मल्टीपल सेक्टर में निवेश किया क्या सारा सेक्टर एक साथ डूबेगा दैट इज नॉट पॉसिबल यानी हमने अपने रिस्क को सर मिटिगेट कर दिया है ना और यही कहलाता है म्यूचुअल फंड ओके okay, यहां दो चीज निकलती है हमारे पास इकट्ठे पैसा नहीं है तो मंथली करवाते हैं विच इज कॉल्ड एस आई पी और जो हमने जिस यूनिट में हमने निवेश किया इसमें हमेशा बात होती है यूनिट की तो सपोज हमने हमने एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हमने खरीदा वन थाउजेंड यूनिट यानी ये जो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गई यूनिट की वैल्यू और इसे हम कहते हैं नेट एसेट्स वैल्यू एन कहते हैं ठीक है वेरी नाइस नाउ तो आंसर हमारा क्या होगा डेरिवेटिव सिंपल सा हम कह सकते हैं एक प्रकार का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू हम डिपेंडेंट होती है हमेशा अंडरलाइन एसेट्स पर अगर सुगर केन महंगा होगा तो कॉमन सी बात है चीनी भी महंगी होगी अगर क्लॉथ महंगा होगा पेट्रोल महंगा होगा तो एयरलाइंस का फेयर भी महंगा होगा है ना ना अगला ध्यान से फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ध्यान से यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है रिलेटेड टू द फ्यूचर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और सिंपली फ्यूचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी फॉर द पर एंड डिलीवरी ऑफ एन एसिट्स एट एन एग्री अपॉन प्राइज एट ए फ्यूचर डेट फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रेक्ट

सेशन uh, में पार्टिसिपेट करिए है ना वॉट इज द राइट आंसर सर वेरी नाइस ध्यान से देखिए आंसर क्या है आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है आपको बताना है कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है आ, सुरेश जी आपने थ्री तीसरा कहा तीसरा बेसिकली क्या आपको लगता है क्या गलत है जिन्होंने तीसरा अटेम किया है थ्री लेट मी नो, मुझे बताइए हाँ वान्या यस देखते हैं तो मुझे बताओ कि तीसरे में क्यों गलत लग रही है यह बिल्कुल एक फ्यूचर कॉन्टेक्ट है जिसका पर्पस ही होता है हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लें यानी अगर आज डॉलर की वैल्यू जो एक्सचेंज रेट है मान लो आज हमारा है एट्टी रुपीज तो हमने आपसे आज ही कॉन्डेट कर लिया क्या पता आगे चलकर हमारा जो करेंसी है वो और कमजोर हो जाए तो आपको हम इसी रेट पर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे इसका होगा? मेटिकेट होगा और ये स्पेकुलेशन ही तो है क्या हम भगवान है जो हमें पता चलेगा कि स्पेकुलेशन ही तो है तो उस रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूं तो ये सारे सही हैं और पूछ रहा है कि नॉट ट्रू है याद रखिएगा आंसर हमारा क्या होगा फाइव इज द राइट आंसर है ना इसमें मिस्टेक है प्लीज इसको सही कर लीजिएगा सभी लोग दिस इज नॉट फोर ठीक है चलिए अगला ध्यान से ए ए ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट टू बाय एन स्टॉक एन वॉट ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट टू सेल ए स्टॉक बताइए पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन स्वैप ऑप्शन कॉल ऑप्शन नन एक और मैं दे देता हूं आप लोगों के लिए मजा आएगा यहां लिख लीजिए ऑल चलिए वॉट इज द राइट आंसर ध्यान से देखिएगा नहीं तो गलती होगी डेरेवेटिव ना आपके मॉडल बी में भी है मॉडल सी में भी है और थोड़ा सा मॉडल ए में भी है इसलिए मैंने इसको ज्यादा कराया है सभी लोगों को है ना वॉट इज द राइट आंसर देखिए सिंपल था दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना ए का काम है बाय करना और बी का काम है सेल करना दोनों ने कहा कि यस इस बायर ने कहा कि मैं आपको एक सौ लीटर आपको मिल्क दूंगा है ना और सेलर ने कहा यस मैं भी आपको इसी रेट पर मिल्क आपसे खरीदूंगा अचानक जो मिल्क का प्राइस है क्या पता हो गया 150, उस रिस्पेक्ट में उनके लिए तो अच्छा है जो सेलर है है ना लेकिन जो बायर है उनके लिए नुकसानदायक हो गया तो हो सकता है बायर भी पीछे हो और कहे कि देखिए सबसे बड़ी बात होती है जब भी हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जाते हैं ना तो इट हैज नो ऑब्लिगेशन यानी हमारे पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमको ये कॉन्टेक्ट करना ही है। मेरा मन आई कैन पुल बैक मैं पीछे भी ले सकता हूं अपने एग्रीमेंट को तो जब भी बायर जाता है पुल बैक में जब भी बायर तो उसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन जब भी सेलर पीछे जाएगा तो उसे हम कहते हैं पुट ऑप्शन तो यहां क्या होगा यहां होगा सर कॉल ऑप्शन और यहां होगा सर पोर्ट ऑप्शन को कि यहां कह रहा है राइट टू बाय तो यहां हो गया हमारा कॉल ऑप्शन इस रिस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर है राइट सभी का सही हुआ चलो नाउ द वैल्यू ऑफ ए डेरिवेटिव इज डिटरमाइन बाय जो डेरिवेटिव की वैल्यू है उसको हम किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन एसेट्स या फिमडा या नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट या फिडाई हु डिसाइड हु डिसाइड डिसाइड द आंसर इस फाइव का ए नाउ नेक्स्ट वन ध्यान से पढ़िए जरा जब भी हम बात करते हैं इन केस ऑफ फ्री करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट

इन केस ऑफ फ्री करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इज इजैक्टली इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन क्या होगा किस पर होगा वेरी नाइस nice. यहां ना आंसर होगा बिल्कुल सही है सभी लोगों का वन इज द राइट आंसर ठीक है बिल्कुल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑफ टू करेंसी यही तो हमारा होगा एक बात यहां मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि जब भी हम कभी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो इसका जो बेस होगा सर वो स्पॉट पर ही होगा ना अगला अब जरा समझिएगा ध्यान से आराम से कूल होके आपके सामने मैंने एक केसरी दिखाई है आराम से इसको पहले देखिएगा और सॉल्व करिए पहले पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन इसको आराम से इसमें क्या है सभी लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना किसी बैंक का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है सामने मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन और भी कराए YouTube पर ही जब मैं यूनिट वाइज सेशन ले रहा था मैक मिलन की है ना तो मुझे बताइए सभी लोगों को प्रॉपर विजिबल है ना प्लीज मेक मी कंफर्म सभी लोगों को प्रॉपर विजिबल है ना नाउ तो इस डाटा के बिहाफ पे आपको यह बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द टर्म डिपॉजिट प्लेस इन ए मैच्योरिटी बकेट ऑफ लेस देन यानी ट्वेल्व मंथ से कम के बकेट में इसको रखा गया है इस बैंक ने आपको बताना है उस केस में कितना अमाउंट होगा उसका आंसर बताइए ट्राई करिए सभी लोग ऑलरेडी मैंने इस पर क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को आराम से ध्यान से देखिए का जो कैपिटल है वो हमेशा याद रखे ना ये लाइबिलिटी काउंट होती है नाइंटी फाइव थाउजेंड है रिजर्व ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है करंट अकाउंट दिया है सेवन फाइव डबल जीरो और जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें पैसा है सिक्स फोर नाइन जीरो टर्म डिपॉजिट वन मंथ मेच्योरिटी बकेट में रखा गया है फोर सिक्सटी एट करोड़ रुपए अगर हम बात करते हैं टर्म डिपॉजिट वन टू सिक्स मंथ में रखा गया है थ्री फोर्टी फाइव करोड़ रुपीज और सिक्स मंथ से बारह मंथ के बीच में रखा गया है एट फिफ्टी टू करोड़ रुपीज और एक से तीन के बीच में रखा गया है सेवन फोर्टी वन करोड़ वेरी नाइस अनुप्रता टर्म डिपॉजिट जो थ्री ईयर से लेस देन फाइव ईयर मेच्योरिटी में है, रखा गया है उसमें नाइन सिक्सटी थ्री करोड़ बोरोइंग है आरबीआई से लिया है इस बैंक ने करोड़ और टर्म डिपॉजिट जो पांच साल से एसमें है वन टू सिक्स फाइव करोड़ सो सोट इज राइट आंसर एवरीबडी आंसर क्या होगा देखिए यह क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको एक बेसिक रूल है और एक बेसिक कंपोनेंट पता होगा विच इज द रूल ऑफ एल यानी एसिड्स टी मैनेजमेंट जो ट्रेजरी का मेन काम होता है कि हम हाँ, एसिड लाइब्रेटी को कैसे मैनेज करेंगे सो इट्स रिलेटेड टू दैट आपको बहुत आराम से इसको बता रहा हूं हो सकता है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो या या इस तरीके की क्वेश्चन तो अगर आपको बेसिक याद रहेगा तो आप बिल्कुल याद कर बना पाएंगे सॉल्व और इससे कम से कम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एटलीस्ट फोर टू फाइव क्वेश्चन चलिए देखते हैं आंसर क्या है ठीक है और मेरे साथ आप भी देखिएगा कोई डाउट होता तो मुझे बताइएगा ठीक है चलो और एक बात याद रखना इस डेटा में ना दैट इज नॉट कि सारा डेटा हमें काम का है डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है चल जरा ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्लियर करता हूं सबसे पहले एक रूल है बेसिक जरा उस रूल को देखिए अगर हम बात करते हैं गाइडलाइन की जो गाइडलाइन जारी किया है किसने आरबीआई ने किसके लिए एल के लिए ठीक है रिजर्व एंड कैपिटल हैव फाइव ईयर बकेट यानी कि याद रखना कैपिटल और रिजर्व को हम रखते हैं फाइव ईयर बकेट में जो करंट और सेविंग अकाउंट होता है वो वोलाटाइल और उसी को हम लोग कहते हैं कोर डिपॉजिट यानी कि याद रखेगा ये एक वोलाटाइल भी है और इसमें हम इसको कहते हैं साथ में यह कोर पोर्शन भी क्योंकि पता होगा आपको बहुत इजी है हमारे लिए हम अपने पैसे को विदड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक अकाउंट से नाउ ठीक है नाउ अगर मैं कहूं आपसे कि जो सेविंग बैंक अकाउंट हमारा है उसका जो वोलाटाइल परसेंटेज है ये फिक्स है याद रखिएगा टेन यानी याद कर लीजिए और जो करंट है इसका है फिफ्टीन यानी कि अगर बैंक में एक लाख रुपए जमा हो रहा है तो बैंक एज्यूम करके चलता है कि उस एक लाख रुपए में से हो सकता है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट पैसा जो है वो विद्रॉ हो जाएगा और उस हिसाब से वो रखता है उन पैसे को क्या बकेट वाइज नाउ अगर मैं पूछूं आपसे कि दो वोलाटाइल पोर्सन है इज इंक्लूड इन द टाइम बकेट ऑफ

सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेस देन बारह मंथ की बात करते हैं उसमें तो याद होगा आपको पिछले पीछे देखा है आपके सामने चार ही तो हैं वन टू थ्री एंड फोर यानी कि ये फोर टर्म डिपॉजिट है जिनको हमने इन बकेट्स में डाला है ना है नंबर वन एक मंथ का बकेट है नंबर दो वन टू लेस देन सिक्स मंथ का बकेट है नंबर तीन थ्री मंथ से सिक्स मंथ का बकेट है नंबर फोर सिक्स मंथ से लेस देन ट्वेल्व मंथ का बकेट है क्योंकि बात हो रही है मैच्योरिटी बकेट ऑफ लेस देन ट्वेल्व मंथ की बस कुछ नहीं आप इसको ऐड करिए आप इसको ऐड करिए आप इसको ऐड करिए और इसको ऐड कर दीजिए आपके सामने आंसर आ जाएगा सो आंसर आपके सामने आ गया होगा आंसर हमारा टू टू एट मुझे बताइए कमेंट करके एवरीवन हमारे जितने भी बैंकर्स हैं क्या इस क्वेश्चन में आपको डाउट है हम्म क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो नार सिंह आपका 852 कैसे आया अगर हम बात करेंगे 12 महीने से कम में सर तो 12 महीने से कम में थ्री मंथ वाला भी तो होगा सिक्स मंथ वाला भी तो होगा मंथ वाला भी तो होगा मीन्स आप ऐसे समझिए आपको मैंने कहा कि आपको मैंने एक लाख रुपए दिया है और आपको मैंने कहा इसे चार भागों में बांट दो एक, एक, एक नाइन मंथ में और एक ट्वेल्व मंथ में और जब मैंने कहा कि मुझे बताओ कि आपके पास कितना पैसा है एक साल से कम बकेट में तो क्या सिर्फ लास्ट वाला काउंट करोगे आप तो सर चारों काउंट करेंगे ना ओके चले आगे नौ अब इसी क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व करिए उसी क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन भी है आई होप अब नहीं गलत होना चाहिए वॉट सेल बी द टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ऑफ फोर्टीन डेज बकेट फॉर सी डी बैंक लिमिटेड आपको अब कौन यहां बात हो रही है सेविंग बैंक अकाउंट के लिए बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर एट फोर्टीन डेज बकेट में जरा सोचिए हम कौन से अमाउंट को डालेंगे फोर्टीन डेज बकेट में हम कौन से अमाउंट को डालेंगे 14 डेज बकेट में हम डालेंगे कौन से क्योंकि यहां पर हम डालेंगे जो हमारा वोलाटाइल होगा वही तो डालेंगे 14 डेज बकेट में तो टोटल कितना हमारा है 6490 और अभी उन्होंने पीछे देखा था कि इस पर जो वोलाटाइल है सेविंग अकाउंट का वो कितना है 10 परसेंट है बस चुपचाप निकाल दीजिए सर आपका आगे आंसर सिक्स याद रखिएगा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो AIBF है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगी और ऐसे क्वेश्चंस को आपके लिए ऑप्शन नहीं देगी तो आपको जो वो मेथड है ना इनपुट मेथड टू बी स्टार्टेड बाय AIBF तो हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को वो इस हिसाब से सॉल्व करवाएगी तो ध्यान से इसको अटेम्प्ट करिए क्योंकि यहाँ पर ना ऑप्शंस नहीं है आप जो एक बार वैल्यू डाल देंगे सेव कर देंगे वो वैल्यू सेव हो जाएगी ठीक है चलो वही रूल होगा जो मैंने आपको बताया उस केस में हमारा आंसर क्या होगा सिक्स फोर नाइन जीरो का टेन परसेंट क्लियर है सभी लोगों का एंड यहाँ पर ये वाला जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा वो काम आएगा ठीक है एज पर द आरबीआई गाइडलाइन सेविंग अकाउंट हैज परसेंट वोलाटिलिटी एंड इट इज कैन बी प्लेस इन फोर्टीन बकेट और इसको हम कहा रखते हैं डेज बकेट में काउंट करते हैं है ना सभी लोगों को हाउ टेन सर टेन परसेंट तो होगा ना uh, गायत्री वेरी इजी ना अभी हमने पीछे क्या देखा कि सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपका वोलाटाइल है वो सर टेन परसेंट है और कॉमन सी बात है कि जो वोलाटाइल ज्यादा है इसका मतलब उसको हम कम वाले बकेट में रखेंगे इसीलिए हमने इसको कितने में रखा देखिए हमने इसको रखा फोर्टीन इस बकेट में पता चला टेन कहां से आया नाउ गायत्री प्लीज लेट मी नो वेंकटेश क्लियर फ्रॉम वेयर वी गेट द टेन पर्सन हम्म क्लियर ठीक है चलो नाउ अगला नार सिंह जी यहां पर नाइन्टी परसेंट नहीं होगा है ना वॉट इज द राइट आंसर एम थ्री में ब्रॉड मनी में हम क्या है जो हमारा कैश सर्कुलेशन में है विद पब्लिक या जो कैश इन करेंसी चेस्ट विद आरबीआई बैंक में वो काउंट करेंगे या क्रेडिट जो अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आर वो काउंट करेंगे या करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस हम ये काउंट करेंगे बताइए वॉट इज द राइट आंसर वॉट इज द राइट आंसर सो द राइट आंसर इज डी ओवर हेयर ठीक है चलिए अगला ध्यान से डिमांड टाइम लाइबिलिटी में क्या हम काउंट नहीं करते हैं डिमांड टाइम लाइबिलिटी में हम क्या काउंट नहीं करते हैं टाइम डिपॉजिट फॉरवर्ड फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिश या रेपो सिक्योरिटी विद सीसीआईएल शायद मैंने क्वेश्चन ये कल कराया है क्वेश्चन रिपीट हुआ है है ना द आंसर इज सी नाउ फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेजरी इज कंसीडर्ड टू बी क्या है एक क्या ये एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है क्या ये फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है क्या ये सर्विस सेंटर है या इनमें से कोई नहीं बताइए वॉट इज द राइट आंसर एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ट्रेजरी है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं hmm. अच्छा यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो मैक्सिमम आंसर हमारे पास आ रहा है दिस इज नॉट फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फंड मैनेजमेंट उसका एक सर्विस है जो वो काम करता है दिस इज कॉल्ड सर्विस सेंटर जो आपको सर्विस दे रहा है जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो को मैनेज कर पाते हैं जितना पैसा आता है उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट कर पाते हैं ये एक सर्विस देता है आपको आंसर इज नॉट बी आंसर इज सी नाउ नेक्स्ट वन विच ऑफ द हैज बिकम पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी एंड एडेड ए न्यू डायमेंशन ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटी फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस Investment in securities one and two, both or only two. So, what is the right answer? What is the right answer? सभी लोगों का लग रहा है आंसर हम्म ठीक है नाउ यहां जो आंसर आपका होगा वो आंसर क्या होगा बिल्कुल सही है सी नंबर ठीक है नाउ ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी बैंक ने एक डेटा शेयर किया है रिगार्डिंग वॉट तो रिगार्डिंग रेट सेंसिटिव एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च जो नेट इंटरेस्ट इनकम है स्प्रेड जो है पता है सभी लोगों को एनआई क्या होता है हमने कल बताया था कि फॉर एग्जांपल आप किसी को 10 परसेंट इंटरेस्ट देते हैं और आप किसी से लेते हैं फॉर एग्जांपल 15 परसेंट तो दोनों का जो डिफरेंस होगा सर है ना फाइव परसेंट याद रखिएगा, वही होता है आपका एन आई आई ओके तो उस रिस्पेक्ट में करिए एन आई आई स्प्रेड इन परसेंटेज टर्म फॉर द बैंक इन वन पॉइंट सेवन फाइव दिया हुआ है ठीक है ये सारे बकेट्स हैं, है ना और याद रखिएगा ये एसेट्स की वैल्यू है और ये है लेलोटी की वैल्यू टोटल ऐड करने पर ये आ रहा है तेरह हजार आठ सौ और ये भी आएगा तेरह हजार आठ दोनों सेम होता है ठीक है तो अब सॉल्व करिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से वॉट इज द टोटल रेट सेंसिटिव एसेट्स फॉर द बैंक आपको निकालना है इसमें कि टोटल रेट सेंसिटिव जो एसेट्स है फॉर बैंक के लिए उसका वैल्यू क्या है आंसर टाइम बकेट दिया है कि उन्होंने अपनी एसेट्स को किस किस बकेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है है ना और साथ में लाइबलिटी भी दिया हुआ है ट्राई करिए जरा सभी लोग वॉट इज द टोटल वॉट इज द टोटल रेट सेंसिटिव एसेट्स फॉर द बैंक आंसर क्या होगा गायत्री से फोर डी से डी ओके नाउ देखिए एक फॉर्मूला है बता होगा आपको रेट सेंसिटिव एसिड्स की बात करते हैं तो दो तरीके से निकाल सकते हैं या तो दिया हो तो टोटल एसिड्स माइनस नॉन सेव तो उसकी वैल्यू को डाल दीजिए मतलब इक, आ, इस हो सकता है यहां पर इतना ना दे के एक वैल्यू दे दे आपको कि टोटल एसिड की वैल्यू ये है और जो नॉन सेंसिटिविटी एसिड होगी उसकी वैल्यू ये है तो यहां पर हम डालेंगे दिस इज कॉल यानी कि दिस इज कॉल ये ओके और ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू और ये हमारा हो गया सेंसिटिव वैल्यू हमने माइनस किया हमारा आंसर आ गया ठीक है नाउ नेक्स्ट वन जब भी हम बात करते हैं सेंसिटिविटी रेशियो को लेकर तो उसका फॉर्मूला क्या होता है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी एसेट टू रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी यानी हमारा जो एसिड सेंसिटिव है जो हमारा और जो हमारी लाइबलिटी है उसके ग्रुप को या रेसी ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी टू रेट सेंसिटिव एसेट्स या क्या दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं सर वॉट इज द राइट आंसर वॉट इज द राइट आंसर चलिए तो अगर आपने बोध कहा है तो रॉन्ग है आंसर हमारा वन नंबर होगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट किस पर आपके लोन पर और रेट सेंसिटिव यानी आपके डिपॉजिट पर ठीक है यानी आपके लोन और आपका जो डिपॉजिट होगा उन दोनों का रेशियो होता है हमारा दिस वन सेंसिटिव रेशियो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कंट्रीब्यूट टू डिपेंडिंग द debt market and eliminate the counterparty risk in treasury dealing mutual fund domestic investment institutions yeah, foreign investment institutions or yeah, all of the above so what is the right answer what is the right answer which of the following have contributed to depend the debt market and eliminate काउंटर पार्ट रिस्क इन ट्रेजरी डीलिंग क्या होगा म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑल ऑफ द सारे हैं ठीक है सारे ही एलिमिनेट करते हैं ये भी एलिमिनेट करता है ये भी एलिमिनेट करेगा ये भी करेगा सारे करेंगे ठीक है Now, देखो बाय मिस्टेक दूसरा मतलब गलत हो गया आ, याद रखना है ये सिक्सटीन नंबर है ये सेवनटीन नंबर है जरा सॉल्व करो दोनों एक साथ आ गया टाइपिंग मिस्टेक कोई शो नहीं जब भी हम बात करते हैं पुट ऑप्शन को लेकर इज द मनी आई टी एम एफ क्या होगा द स्ट्राइक प्राइस हमेशा कंफ्यूज मत होना जिस प्राइस पर हम कोट करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं स्टॉक स्ट्राइक प्राइस और एक होता है जिस जिसपे हम सेटलमेंट करते हैं ठीक है तो स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग जिस कोड पर आप प्राइस को कोड करते हैं उसे ही हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं है ना द स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस क्या ये पुट ऑप्शन होगा या द स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन मार्केट प्राइस तब ये ऑप्शन होगा या द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस तब ये होगा या ए पुट ऑप्शन कैन नेवर बी इन द मनी ये होगा बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीबडी हाय वसीन वेलकम गुड इवनिंग और एक साथ तो बिल्कुल सही है स्टाइक प्राइस जब ज्यादा होगा किससे मार्केट प्राइस से तो वही हमारा कहलाता है पुट ऑप्शन ठीक है आई पुल बैक नाउ इन इंडिया मार्केट फॉर करेंसी फ्यूचर कॉमेंट कब से स्टार्ट हुआ था 2008 से 1993 से द मार्केट ये टू कॉमर्स ऑपरेशन द करेंसी फ्यूचर मार्केट वेयर एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम बट वेयर लाइंग डोरमेंट बताइए इन इंडिया ये कब स्टार्ट हुआ था <laughs> चलिए तो इसका आंसर हमारा होगा ए नंबर नाउ नेक्स्ट वन एक कॉन्ट अच्छा पता है ना सभी लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये मॉक चल रहा है मुझे लास्ट में स्कोर चाहिए कि आपका स्कोर कितना है लेकिन इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा ठीक है एक कॉन्ट्रैक्ट इन विच द रेट इज फिक्स एट वंस फॉर अ परचेज और सेल ऑफ फ़ॉरेन करेंसी एट फ्यूचर डेट इज उसे कहेंगे फ्यूचर ऑप्शन फॉरवर्ड स्वैप या नन वॉट इज द राइट आंसर उसे हम क्या कहेंगे now the right answer is c now next one which of the following uh, is a contract for future delivery of a currency in exchange for another where the holder of the option has the right Without obligation to buy or sell the currency at a agreed price, the strike or exercise price on a specified future date. So, future contract, forward contract, option contract, a yeah, currency swap. Hmm. वेरी नाइस nice. तो यही तो हमारा कहता है ऑप्शन द आंसर इज सी ना देयर आर नो फॉर्मल रूल और मैकेर मार्केट स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड फॉर सेफ गार्डिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट सो विच टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर बींग रेफर टू हियर नाउटीसी ज सेड स्टॉक फ्यूचर या कॉमोडिटी डेरिवेटिव। अच्छा हाँ एक आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कल हम स्टार्ट करेंगे मॉडल डी है ना तो मुझे कुछ बैंकरों ने मैसेज किया उनका ये कहना था कि सर थोड़ा सा थ्योरी और ज्यादा कर दीजिए मेरा ये कहना आपसे पूछना है अगर हम थ्योरी हम ज्यादा कर देंगे ऐसे मैं पूरे हर क्वेश्चन एक्सप्लेन को करता हूँ बट अगर थ्योरी और ज्यादा हो गया तो वी नीड मोर टाइम तो क्या आप लोगों को थ्योरी प्लस एमसीक्यू चाहिए मुझे बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या आप एमसीक्यू चाहते हैं ज्यादा खासकर इन दो दिनों में जिनको हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करते चले जैसा मुझे बताइएगा जरूर कॉमेंट करके सभी लोग है ना कि आपको थ्योरी के साथ चाहिए हर एक एक्सप्लानशन या क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन एक साथ में हम कर दें जितना नेसेसिटी होगी है ना तो यहां याद रखिएगा जब भी कहीं लिखा हो नो फॉर्मल आंख मूंद के मारिएगा ओटीसी देखिएगा, डेरिवेटिव से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे क्योंकि ना देखिए जो क्रैकर बैच है ना अगर आपने उनको देखा होगा क्रैकर बैच में हम डेली थ्योरी करा रहे हैं लगातार

हम क्या कहेंगे ओके गॉट इट। यानी जैसे ही चल रहा है वैसे ही चलाएंगे ठीक है थ्योरी प्लस एक्सप्लेनेशन जैसे मैं कर रहा हूं है ना राजनंदन कुमार जी वेलकम विश्वदीप सरकार जी वेलकम प्लीज लेट मी नो और प्लीज अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें एवरी वन वेरी नाइस बहुत आसान है नाउ नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्वैपिंग

हम्म वेरी नाइस द आंसर इज करेंसी स्वैप अगला द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिटरमाइन बहुत आसान से क्वेश्चन है दोबारा रिपीट कर गया ना बताइए इसका फुल फॉर्म फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन मतलब जहां से पैसा आना फिक्स है है ना जब हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे बॉन्ड पता है रिटर्न इतना आएगा ही आएगा नाउ नेक्स्ट वन जरा इसको ध्यान से पढ़िए तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है इसको बिना पढ़े आंसर नहीं दीजिएगा प्लीज रिक्वेस्ट टू एवरीबडी क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिया में बैंक ऑथोराइज किया गया है बाय आरबीआई के द्वारा एज पर द सेक्शन टेन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन एज एथोराइज डीलर इन कैटेगरी वन में ठीक तो है सो बैंक आर परमिटेड टू बिकम ट्रेडिंग एंड मेंबर ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट करेंसी ऑप्शन मार्केट ऑफ रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन देयर अकाउंट और या ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट आपको इसमें से निकालना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है रिक्वायरमेंट है जो रॉन्ग है सो सब्जेक्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग मिनिमम प्रोडेंशियल रिक्वायरमेंट फाइन रॉन्ग वन आपको इसमें से गलत निकालना है याद रखिएगा क्या मिनिमम नेटवर्थ उस बैंक का 500 करोड़ होना चाहिए क्या उस बैंक का मिनिमम करार टेन परसेंट होना चाहिए क्या उस बैंक का एनपीए फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए या मेड नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर कम से कम लास्ट ईयर उसने प्रॉफिट कमाया होगा या क्या लगता है ये सारे ही रॉन्ग है यह आज का बुनइजा क्वेश्चन है अच्छा हाँ मैंने कल आपसे पूछा था अगर आप लोग ने कमेंट किया होगा सेशन में जाके तो नाइन्थ ऑफ याद रखिएगा नाइन्थ को चांस ऐसा है कि मैं सेशन लूंगा मॉर्निंग में क्योंकि इवनिंग में सेशन होगा एबीएम का दस को आपको एग्जाम है तो नाइन्थ को आप मुझे टाइम बता दीजिएगा कि टाइम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ए टू टेन चलेगा एट टू टेन चलेगा, चलेगा सेशन मॉर्निंग में मुझे बताओ रिविजन पार्ट वन और एट टू इलेवन चलेगा टेन को तो मैं लूंगा लगातार फाइव आवर्स जहां मैं पूरा रिविजन कराऊंगा मैं सोच रहा हूं नाइन्थ को भी सेशन लू जैसा भी होगा प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स है ना सेशन खत्म होने के बाद कमेंट में देखता हूँ चैट आप वहां मुझे मैसेज करिएगा ठीक है चलिए देखिए यहां पूछा जा रहा है रॉन्ग कौन सा है तो याद रखना ए बी और डी सही है लेकिन यहां पर फाइव परसेंट नहीं होगा आपको यहां होना चाहिए 3%. Means, अगर आपका 3 से ज़्यादा है 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 कम ठीक है, है, तब आप एलिजिबल हो अगर थ्री परसेंट से ज्यादा होगा मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम ऑथोराइज डील कैटेगरी वन में आप नहीं बन पाएंगे है ना एक्चुअली इवनिंग में ना दीप रंजन शाम को सर क्लास क्योंकि परसों एग्जाम होगा दस तारीख को अगले दिन टुमारो तो शाम को सर की क्लास होगी सर लेंगे एबीएम का है ना और हम भी चाहते हैं शाम को ए बी एम ही हो रिवीजन आप लोगों का ओके कंफ्यूज नहीं जैसा भी हो मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है नाउ तो इसका आंसर हमारा क्या होगा आंसर हमारा होगा हो? सी नंबर इज द रॉन्ग ठीक है क्लियर सभी लोगों का अच्छा क्वेश्चन था चलिए अगला ध्यान करिए जो इंडिया में याद होगा इंटरबैंक रेट्स को डिसाइड करती है तो ये आल्सो अनाउंस करती है एक बेंचमार्क रेट मैट्रिक्स ऑफ तो इसमें से बताना है किसको टर्म टर्मोर फॉर थ्री फोर्टीन डेज के लिए वन मंथ के लिए या थ्री मंथ के लिए या फॉरेन करेंसी रुपीस जो ऑप्शन है उसमें जो वोलेटिलिटी होती है फॉर फाइव टेन ऑफ वन वीक वो बताती है थ्री मंथ सिक्स मंथ या बारह मंथ या सीडी का जो रेट है वो बताती है या ट्रेजरी बिल ऑन डेली बेसिस एक्सेप्ट सैटरडे और संडे एंड पब्लिक हॉलिडे या आंसर हमारा होगा ऑल बताइए इसका आंसर क्या होगा चलिए नाउ नाउ द फाइनल डाउन बिगन अब आपके सामने इकट्ठे में फाइव क्वेश्चन लगा दिखाऊंगा सामने ठीक है आराम से आपको आंसर देना है पढ़ के ठीक है नाउ सबसे पहले वन टू थ्री आराम से पढ़िए वन टू थ्री है मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा एक साथ टोटल थर्टी जब भी हम बात करते हैं लिक्विटी रिस्क को लेकर तो इज रिफ्लेक्शन एज वॉट मैचोरिटी मिसमैच टोटल कैश हेल्ड कमिटेड लाइन और एनपीए विच इज द गैप इन टोटल एसिड एंड लोन क्या होगा पहले का पहले का क्या होगा का क्या होगा तो पहले का ना आसान है विच इज कॉल जो आपकी मेच्योरिटी मिसमैच होती है ना हम उसे ही कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क है ना यानी आपके पास एसेट ज्यादा हो गया आपके पास लेबलिटी ज्यादा हो गया यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर राइज कर रहा है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो उस केस में जो आपका रिस्क ऑफ इरोजन है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट एडवांस विद फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिपॉजिट विद फ्लोटिंग रेट एंड एडवांस विद फिक्स रेट या डिपॉजिट विद फ्लोटिंग रेट एंड एडवांस विद फ्लोटिंग रेट या डिपॉजिट विथ फिक्स रेट एंड एडवांस बताइए राइट आंसर अंजलि चंडेल जी वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आंसर आपका बी कैसे होगा वन का यहां पर इसी प्रेमिन का कोई लेना देना नहीं है आपका टोटल कैश इनफ्लो और जो टोटल कैश आउटफ्लो हो रहा है मैम उसका जो मिसमैच होता है ना विच इज कॉल्ड लिक्विटी रिस्क उसको कहते हैं है ना तो सेकंड का आंसर आपका होगा बी और लास्ट वाला आसान है डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड टू हेज एग्रीगेट रिस्क यानी बैंक का जो टोटल एग्रीगेट है रिस्क उसको मिनिमाइज करने के लिए एज रिफ्लेक्टेड इन द एसेट लायबिलिटी मिसमैच इन दिस केस डायनेमिक मैनेजमेंट ऑफ हेज इज नेसेसरी बिकॉज रिस्क आर्ट स्टैटिक न्यू हेजिंग टूल अराइव इन द मार्केट या द कंपोजिशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज ऑलवेज चेंजिंग या क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ हेज इज एन आरबी रिक्वायरमेंट और आंसर हमारा क्या होगा सी ओके सो फाइनल डन नाउ एक रिक्वेस्ट मेरा सभी लोगों से है. यहां पर कोई भी क्लास की अगर आपको चाहिए पीडीएफ या कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे यहां टैग कर सकते हैं मैं यहीं पर डाल देता हूं डेली क्लास की पीडीएफ मैराथन वाली ठीक है नाउ एंड लव नाउ मिशन इज ओवर मिलते हैं कल अगेन टेन ओ क्लॉक पर जहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल डी को अगर सेशन अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइए चैट के माध्यम से क्योंकि यही हमें बताता है कि हम कैसे आपके लिए करें आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो नमस्ते सभी लोगों को सॉरी गुड बाय सभी लोगों को थैंक यू गुड नाइट सभी लोगों को